आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। जिले में अवैध बालू के धंधे लगातार पनपने हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखते हुए रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल के एसडीएम सुनील कुमार सिंह ने सोमवार को सैकड़ों दलबल के साथ डेहरी के कोयला डिपो में छापेमारी की, जिसमें अवैध रूप से डंप किए हुए बालू को जब्त कर लिया गया। साथ ही एक डंपर और एक चालक को भी गिरफ्तार किया गया। डेहरी एसडीएम सुनील कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार के अवैध धंधे को अनुमंडल क्षेत्र में पनपने नहीं दिया जाएगा और समय समय पर इसकी कार्यवाही होती रहेगी। अवैध बालू की कीमत लगभग 50 लाख रुपए मानी जा रही है। रोहतास से रोहित सिंह की रिपोर्ट। सर, अवैध बालू के खिलाफ सर कार्रवाई हुआ है, सर क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कोयला डिपो सखना गांव में अवैध रूप से डंपिंग करके कोयला डिपो में और इस गाँव में बालू का व्यवसाय हो रहा है। इसी के मद्देनजर आज बालू को जब्त किया जा रहा है, उनको उठाकर ले जा रहा है। इसमें एक हाइवा भी जब्त किया गया है, ड्राइवर के साथ गिरफ्तारी हुई है और जो बालू लगा था। बाकी जितने भी बालू यहाँ हैं उनको अभी तक उठाया जा रहा है और इन पर चिन्हित करके जितने भी जमीन मालिक हैं या कोयला डिपो के मालिक हैं उन पर निम्न एफआईआर भी कराया जाए। सर, कार्रवाई के बाद भी सर लगातार इन लोग अवैध डंपिंग करते रहा, सर इस पर क्या प्रशासन की कार्रवाई? कहीं ना कहीं हमारे स्तर से हम लोग कैसे हुई होगी, प्रशासन के स्तर से हमारे स्तर से कार्रवाई हो रही है। इस बार हम लोग उनका डिटेल्स निकाल कर, सीओ हैं, अमीन है, कर्मचारी हैं, उनका खाता प्लॉट निकाल कर जो जमीन मालिक है उन पर हम लोग कार्रवाई को एफआईआर करा रहे हैं और उनको उनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे ताकि उनका मनोबल टूटेगा और इस व्यवसाय को छोड़कर अपना दूसरा व्यवसाय करें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।